तमाम मेंबर्स लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और तमाम दोस्तों को लीगल प्रोफेशन के अंदर मैं लाहौर बार एसोसिएशन के एक लेक्चर सीरीज़ के एक छोटे से लेक्चर के अंदर खुशामदेद कहता हूँ। लेक्चर आज का छोटा तो है मगर प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कि अगर के एक वकील अपना लीगल रजिस्टर कैसे मेंटेन करता है, लीगल रजिस्टर क्या चीज़ होती है और किस तरह मेंटेन किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके नज़दीक अगर आप लीगल रजिस्टर मेंटेन नहीं करते तो मेरे नज़दीक आपको तो मैं वकील भी कोई अच्छा वकील नहीं तसव्वुर करूँगा। जितने भी अच्छे लीगल वकील मैंने बीच में देखे हैं वो अपना जो काम करते हैं उसके और जो जो केस लॉ वगैरह पढ़ते हैं उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। ये मेरा अपने रजिस्टर की एक तस्वीर है और साथ मेरे वालिद साहब जिनकी मेरे ख्याल में शायद 50 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है वो भी आज भी बैठ के एक्चुअली अपने रजिस्टर को रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। इसका फ़ायदा क्या, इसका क्या मामला, ये क्यों आप बीच में एक रजिस्टर बनाएं, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन इसकी वजह ये है कि अगर एक दफ़ा आपने कोई किसी मुकदमे के लिए काम कर लिया या आपने नए शुमारे पढ़ लिए बीच में और कोई केस आपकी नज़र से बीच में गुजरा तो अगर आपने वो अपने रजिस्टर के अंदर नहीं लिखा तो वो एक तरीके से हवा में गुम हो जाता है। फाइल के अंदर तो आप रख लेते हैं, शायद का जजमेंट्स आप जज को दे देते हैं या नोट्स आगे पीछे हो सकते हैं मगर रजिस्टर अमूमन आपका आगे पीछे नहीं होता। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो मुकदमा जो काम भी आप करें वो आप अपने एक रजिस्टर के अंदर बीच में लिख लें। रजिस्टर क्या चीज़ होती है, क्या बला है, किस तरीके से ये आपको बीच में दिखाया है, ये मेरा एक्चुअली लीगल रजिस्टर है। बेसिकली एक टेलीफोन डायरेक्ट्री के लिए जो आपको रजिस्टर बीच में मिलता है उसके लिए आप ये देखें जिसके ऊपर यहाँ पे ABCD साइट के ऊपर लिखा होता है टेलीफोन नंबर्स के लिए, इस तरह का एक अदद रजिस्टर, एक बड़ा सा रजिस्टर आप बीच में ख़रीद लें जिसके अंदर ये देखें आप बीच में बड़ा सा रजिस्टर ख़रीद लें जिसके अंदर आपको ये सारे की सारी आप अपनी अथॉरिटीज़ बेसिकली लिखेंगे। अथॉरिटीज़ क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, ये मैं आपको खोल के फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के अंदर ए से ए में आप कर लें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एक्ट ऑफ कोर्ट, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के मुताबिक जितनी जजमेंट्स हैं कोशिश करें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लिखें और यहाँ पर आप बीच में PLD 92 सुप्रीम कोर्ट ये 577 किस नुक्ते पर अटेम्प्ट्स टू प्रेफर वन बेंच ओवर अनदर इज़ डिसअप्रूव्ड, ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। इस तरीके की जितनी भी आपकी जजमेंट जो भी आप बीच में काम करते हैं वो आप बीच में इस तरीके से लिखते रहें। ये तो तकरीबन सारे दोस्तों को ऑलरेडी शायद मौजूद मालूम है लेकिन शायद दोहराने की ज़रूरत थी कि ऐसे आपको अपना रजिस्टर एक बना लेना चाहिए और इसको आप अपडेट करते रहें और रेगुलरली आप जजमेंट्स पढ़ें। जजमेंट्स पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप जब भी आप अपना रजिस्टर अपडेट करेंगे या रेगुलरली जो शुमारे आते हैं आप पढ़ेंगे आपसे मिलता जुलता मुकदमा कोई ना कोई उन दिनों के अंदर चल रहा होगा। अगर कोई कोर्ट की जजमेंट आ जाती है तो वो आपको हमेशा हेल्प आउट करता है। मैं जब भी बीच में कोई शुमारा वगैरह पढ़ता हूँ उसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि मुझे कोई ना कोई नुक्ता मिल जाता है जो मेरे पेंडिंग केसेस होते हैं उनमें हेल्प आउट करने के लिए, या फ्यूचर में अगर कोई मेरे पास आएगा तो मेरे पास ये रजिस्टर में लिखा होगा कि भाई इस तरीके से ये जजमेंट थी जिस पर रिलाई किया जा सकता है, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके साथ साथ मैं तो एक्चुअली चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में मैं करता हूं तो हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी बीच में साथ लिख लेता हूं। वालिद साहब को फॉर एग्जांपल अगर आप देखें वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस करते हैं तो उनके उनके रजिस्टर में आप देखेंगे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। बी एज इट में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने रजिस्टर में आप तमाम जजमेंट्स ना लिखें, कोशिश ये करें कि जो इंपॉर्टेंट की जजमेंट्स हैं कि जिन जजमेंट्स के अंदर और जजमेंट्स का भी जिक्र मिल जाता है वो उनको आप प्रेफर कीजिए और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को हमेशा फौकियत बीच में करें। बिकॉज अगर आप सिंगल जज हाई कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं सिंगल जज ही जजमेंट आप साइट करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लेटेस्ट मौजूद हैं वो साइट नहीं करते तो आप अपना केस खुद ही कमज़ोर कर रहे हैं। आज के लेक्चर का जो असल मकसद है ये तो हो गया मैनुअल तरीके से बनाने का। एक चीज़ मैंने नई बीच में डिस्कवर की है कि आप ऑनलाइन भी अपना रजिस्टर बना सकते हैं, यानी इंटरनेट के ऊपर भी जाकर आप अपना आपका जो रजिस्टर है वो आप बीच में टाइप कर सकते हैं। बल्कि ये एक मैंने चीज़ फिगर आउट की इतनी अच्छी है इस लिहाज से ये बीच में करना कि आप मैं आपको अगर आपने मैनुअल बनाया हुआ रजिस्टर तो आप अगर उसको टाइप करके इंटरनेट के ऊपर अगर अपना रजिस्टर रख देंगे तो उसके कई फ़वाद वगैरह होते हैं। क्या फ़ायदा हो सकता है और ये किस तरीके से बीच में बनता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ायदा बेसिकली ये होगा कि अगर आप अपना रजिस्टर टाइप करके ऑनलाइन रख देंगे तो अगर आपका मैनुअल रजिस्टर कभी गुम भी जाता है तो आपको इंटरनेट के ऊपर उसकी कॉपी अवेलेबल होगी।
दूसरा सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा ये है कि आपका मोबाइल, आपके घर में कंप्यूटर, आपका आईपैड, उन सारों के ऊपर ये डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल होगा। इन द सेंस कि आप कोर्ट में अगर बैठे हैं और एक मुकदमा चल रहा है और उसके अंदर कोई कोई अच्छी जजमेंट साइट करता, आप अपने मोबाइल में अगर लिख देंगे तो वो उसी सेकेंड वो चीज़ आपके रजिस्टर में ऐड हो जाएगी और वो आपके घर के कंप्यूटर में भी एक्सेसिबल होगी, आईपैड पे भी होगी, हर जगह के ऊपर अवेलेबल होगी। मैं घर अगर चला जाता हूँ और मैं अपने मैं मुकदमे पे काम कर रहा हूँ और एक साइटेशन का मैंने मुझे मैंने चेक करना है अपने रजिस्टर से, रजिस्टर दफ्तर में पड़ा हुआ है, तो मैं ऑनलाइन इसके ऊपर अपने मोबाइल के ज़रिए बीच में ही, जो आपने तस्वीर सामने बीच में आप देख रहे होंगे, उसके ज़रिए भी बीच में एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये किस तरीके से बनाया जाता है, इसके लिए ये एक मुफ्त प्रोग्राम है, मैं आपको वो बीच में बताता हूँ। गूगल शीट्स के नाम से आपको बना के दिखाते हैं। गूगल के अंदर जाइए, गूगल शीट्स लिखिए। अगर आपका जीमेल का अकाउंट है पहले तो जीमेल का अकाउंट बना लें, ईमेल के लिए भी यूज़फुल होता है। वहाँ पे जाके आप गूगल शीट्स लिखिए तो ये आपको लिंक आ जाएगा। गूगल शीट्स के ऊपर जाएं, ये फ्री है मुकम्मल तौर के ऊपर। गूगल शीट्स पे मैंने क्लिक किया, गूगल शीट्स यहाँ पे गो टू गूगल शीट्स, इस पर आपने क्लिक किया और फ़ायदा क्या हुआ, ये मेरा ऑलरेडी बीच में बना हुआ है, मैं आपको वो भी बीच में दिखाऊंगा। मेरा ऑलरेडी एक रजिस्टर तो बीच में बना ही हुआ है, ये मैक साइटेशंस के नाम से। आपको एक नई बना के दिखाते हैं कि किस तरीके से आप कैसे बनाएंगे। ब्लैंक को चूज कीजिए, इसके साथ साथ स्प्रेडशीट का लिख लेते हैं। चलें लाहौर बार के लिए मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूं, तो LBA साइटेशन साइटेशन रजिस्टर, चले ये लिख लेते हैं LBA citation register, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे लिख लिया, इसको जाकर यहाँ पे आपको ये बेसिकली आपको एक स्प्रेडशीट मिल जाती है बेसिकली डेटा सेल्स लिखने के लिए। इस पे आप यूं कर लीजिए, पहले को आप टाइटल लिख लीजिए टॉपिक, दूसरे का आप लिख लीजिए सब टॉपिक, रेशो लिख लीजिए या डिटेल चले लिख लीजिए, तीसरा आप लिख लीजिए साइटेशन, चौथा लिख लीजिए कमेंट्स, अगर कोई एडिशनल आपने कमेंट्स वगैरह करने हैं। यहाँ पे साथ ही आप लिख लेंगे बीच में ला लेंगे क्या ABCD के लिहाज से, आप बीच में इसमें फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए ए से करने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस टाइटल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। दूसरा आपने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया एक्ट ऑफ कोर्ट नॉट टू प्रेजुडिस एनी वन, एक सेकेंड जरा पीछे साइटेशन में मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सब टॉपिक के अंदर ही बेसिकली इसको डाल लेना चाहिए था, ये हमें शायद ना बनाने की डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं। इस कॉलम को डिलीट कर लेते हैं, कैसे करते हैं एक सेकेंड, डिलीट कॉलम, सॉरी, एक्ट नॉट टू प्रेजुडिस एनीवन, इसके ऊपर आपने कर दिया। साइटेशन आपने लिखनी है, साइटेशन आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पहले ही मैंने बीच में बनाया हुआ है 99 सुप्रीम कोर्ट पेज 34 PLD 1999 सुप्रीम कोर्ट 34, ये इसमें एक साइटेशन आपने लिख ली। दूसरी चलें आपने बीच में लिख दी ई में जाके देख लेते हैं जी, आप लिखते हैं इलेक्शंस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इलेक्शंस में, या एक्सपंजमेंट ऑफ एडवर्स रिमार्क्स के ऊपर जजमेंट देख लेते हैं, एक्सपंजमेंट ऑफ एडवर्स रिमार्क्स, इसको सिर्फ इसमें लिख ले, यही कॉपी करके इधर लिख लीजिए, और इसकी साइटेशन फॉर एग्जांपल है PLJ 2003 सुप्रीम कोर्ट 960। ठीक है जी, दिखाना आपको मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको मैं अपना मोबाइल खोल के दिखाऊँ
मोबाइल के ऊपर भी अगर आप बीच में जाएं, इसके अंदर प्ले स्टोर के अंदर जो आपका होता है, जैसे ऐप्स इस्टेब्लिश होती है, ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं, इसमें जाके एक आपको एक ऐप मिल जाती है शीट्स के नाम से, वो मैंने इंस्टॉल की हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शीट्स के ऊपर आप गए बीच में और आपने इसको शीट्स के ऊपर, मैंने फॉर एग्जांपल जाके अपना ये रिफ़्रेश किया, नीचे करके किया, तो अभी ये जो ऑलरेडी चीज़ चल रही है, जो रजिस्टर बन रहा है, वो आपके सामने यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी बना हुआ आ गया। उस पर मैंने अपने मोबाइल पे क्लिक किया तो वो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी बीच में ही अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एक्सपंजमेंट की जजमेंट भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब मैं फॉर एग्जांपल कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूँ और वहाँ पे बीच में बात होती है और वहाँ पे आप करते हैं, केस एक चल रहा है, केस के अंदर जिक्र आता है, सी से चलें देख लेते हैं बीच में किस नुक्ते के ऊपर। फॉर एग्जांपल वहाँ पे बीच में बात हो गई पावर्स ऑफ सीबीआर के ऊपर, अब तो एफबीआर है इसलिए मैंने पहले सी में लिखा हुआ था, मगर चलें पावर ऑफ, आई एम सॉरी एक सेकेंड फ़ोन कॉल आ रही थी बीच में, एफ में कर लेते हैं, चलें दिखाना मैं आपको कुछ और चाह रहा था, तो ऐसे करते हैं बी से देख लेते हैं कोई कि जो आप अपने नोट्स वगैरह बनाएंगे उनको आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर भी बाद में बीच में कर सकते हैं। तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल बी में देख लेते हैं, आपको मैं बी का दिखाता हूँ, बैंक गारंटी, चलें फॉर ये देख लीजिए नुकता है बी में करके मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल पे फॉर एग्जांपल अब लिख रहा हूँ बैंक गारंटी डिटेल्स, इसके ऊपर जजमेंट है आज है पीएलडी 2002-1100, पीएलडी कैपिटल में कर लेने दें, पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट 1100, ठीक है जी, ये चूज कर लिया हमने और ये साइटेशन यहाँ पे हमने लिख डाली, अपडेट हो गया, ओके कर दिया यहाँ पे। और आप देखें यहाँ पे मैंने जो टाइप किया है वो ऑटोमेटिकली चल के आपके यहाँ पे मोबाइल के ऊपर एक सेकंड के अंदर ये यहाँ पर भी आ गया आपका, जो साइटेशंस ऑलरेडी बीच में मौजूद हैं। इसको थोड़ा सा मैं ज़रा चेंज करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैंक गारंटी डिटेल्स, ये बैंकिंग के टॉपिक में मैं डालना चाहूँगा, सब टॉपिक ये है और बैंकिंग लॉ मैंने लिख लिया। अब आप देखें आपने ए है, ई है, बी है, ये सारे के सारे आपने टॉपिक्स लिखे हुए, आप चाहते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली, जो कि ज़्यादा लॉजिकल तरीके है, उससे ऑर्गेनाइज हो जाए, क्या करेंगे इसके ऊपर जाकर यहाँ पे टूल्स के अंदर आप बीच में जाएंगे, डेटा के ऊपर बल्कि जाएंगे, यहाँ पे सॉर्ट बाय कॉलम ए में आप बीच में ला के पहले रखिए यहाँ पे, और इसके ऊपर आप जाके टूल डेटा के अंदर लिखेंगे सॉर्ट कॉलम ए, ए टू जेड, जब ये करेंगे तो वो जजमेंट सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। और ये एक सेकंड, ये इसमें अलबत्ता डेफिनेटली मसला पड़ता है कि टॉपिक वाला नीचे आ जाता है, इसको पकड़ के आपको मैन्युअली ऊपर ले जाना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स ये आप उठा के ऊपर शुरू के अंदर ले जाए, इसको आप बीच में करके कट करके आप ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर लीजिए यहाँ, इंसर्ट वन अबव, ये इसमें थोड़ा सा मसला पड़ता है इस तरीके से करने से, मगर ये टॉपिक वाला उठा कर इसको ऊपर ले जाइए, हेडिंग ऊपर आ गई, ये बीच में आपके ऑर्डर में हो गया। ये चीज़ आपने यहाँ पे की, आप देखेंगे अपने आपके मोबाइल के अंदर भी ये चीज़ आ जाएगी। तो इसका डेफिनेटली ये बहुत बेशुमार फ़ायदा है इस तरीके से करने का कि आप जब भी ये एक्सरसाइज वगैरह बीच में आप करेंगे तो इसका आपको आपकी वेब ये सारे का सारा जो है आपका रजिस्टर ये ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगा।
तो ये एक छोटा सा नुक्ता था जो कि मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, लेकिन आपके प्रोफेशन के अंदर ये बहुत बड़ा नुक्ता होगा अगर आप इसको इस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो यू विल ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ एक्चुअली कि आपका रजिस्टर आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर अवेलेबल है। आई होप यू फाइंड दिस यूजफुल। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।